जनपद में मेडिकल कॉलेज रोड स्थित विष्णु मंदिर में श्री विष्णु महायज्ञ व अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में अनिल शर्मा ने बताया कि विगत 16 वर्षों से श्री विष्णु महायज्ञ आयोजित होता आ रहा है, जो प्रातः सुबह 8 बजे से 1 बजे तक होता है। उसके बाद अखंड रामायण का पाठ होता है, जो कि 28 अक्टूबर से शुरू हुआ है, जिसमें पहले दिन हनुमत आह्वान, दूसरे दिन से यज्ञ व पुराणों का पाठ होता है। इसके अलावा रामलीला का भी आयोजन हो रहा है, जो कि सन 1968 से लगातार होते आ रहा है, जो कि शाम 8 बजे से प्रारंभ होता है और रात 12 बजे तक होता है, जो कि पाठ 8 नवंबर तक चलेगा। 8 नवंबर को विशाल भंडारा का आयोजन होगा, जिसमें हजारों लोग शामिल होंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अनिल शर्मा ने कहा, ये विगत 16 वर्षों से यहाँ पर श्री विष्णु महायज्ञ और प्रातः 8 बजे से प्रारंभ होता है और 28 तारीख से ये प्रारंभ हुआ है। इस वर्ष पहले दिन हनुमत आवाहन, दूसरे दिन से यज्ञ प्रारंभ हुआ है। प्रातः 8 बजे से 1:30 बजे तक यज्ञ चलता है, उसके बाद अखंड संकीर्तन चलता है, आठों पुराणों का पाठ होता है, शाम को श्रीमद् भागवत कथा प्रवचन होता है जो 8 बजे तक चलता है। 8 बजे के बाद से रात्रि रामलीला प्रारंभ होती है, जो 8 बजे से चल के रात्रि 12 बजे तक संपन्न होता है। कब तक चलता रहेगा? और ये चलेगा 8 नवंबर तक। 8 नवंबर को बृहद विशाल भंडारा है। कितने वर्षों से आयोजित हो रहा है ये रामलीला? तो मानस उत्थान समिति के तत्वाधान में विगत सन 1968 से प्रारंभ है, लेकिन इधर विगत 16 वर्षों से श्री विष्णु महायज्ञ का भी आयोजन इसी के निमित्त होता है और उसमें विष्णु महायज्ञ, अखंड संकीर्तन, प्रवचन, पुराण का पाठ, रामलीला, 5 भिन्न भिन्न कार्यक्रम यहाँ पे प्रारंभ होते हैं। नाम अनिल शर्मा।